राम आएंगे भजन को तैयार करने में महज एक हफ्ता लगा। स्वाति मिश्रा बोली, ये राम जी का आशीर्वाद। राम आएंगे भजन गाकर सोशल मीडिया पर तेजी से शोहरत बटोरने वाली गायिका स्वाति मिश्रा ने कहा कि कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिस पर विश्वास नहीं होता है। ये राम जी का आशीर्वाद है कि इसे लोगों ने इतना पसंद किया। स्वाति मिश्रा ने बताया कि इस गाने को तैयार करने से लेकर गाने में उनको महज एक हफ्ता लगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस भजन की सराहना की। नई दिल्ली। राम आएंगे भजन गाकर सोशल मीडिया पर तेजी से शोहरत बटोरने वाली गायिका स्वाति मिश्रा इस गाने के पीछे की पूरी कहानी का खुलासा किया। बातचीत में स्वाति मिश्रा ने कहा कि कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिस पर विश्वास नहीं होता है। मैंने ये गाना बिना किसी लालच के गया। ये राम जी का आशीर्वाद है कि इसे लोगों ने इतना पसंद किया। मैंने पहले एक बार यह भजन सुना था। स्वाति मिश्रा ने कहा कि वह मैं बचपन से ही भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं। उनमें भक्ति भाव तो बचपन से ही है। स्वाति मिश्रा ने बताया कि उन्होंने 5 साल पहले अपना YouTube चैनल शुरू किया था। इस गाने को तैयार करने से लेकर गाने में उनको महज एक हफ्ता लगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामलला के स्वागत में बिहार की भजन गायिका स्वाति मिश्रा के गाए एक भजन की बुधवार को सराहना की और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे मंत्रमुग्ध करने वाला बताया। बिहार के छपरा जिले की रहने वाली स्वाति मिश्रा ने तकरीबन 2 महीने पहले अपने YouTube चैनल पर मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे भजन शेयर किया था। अब तक करोड़ों की संख्या में लोग उनके इस भजन को देख चुके हैं। उनके लाखों सब्सक्राइबर्स भी हैं।